हे एवरीवन, आई एम शुभम कुमारी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सम कॉमन रिफ्लेक्सेस विच आर रिलेटेड टू आवर ब्रेन। सो हम बात करेंगे कुछ रिफ्लेक्सेस की, जैसे कि बाइसेप्स रिफ्लेक्स, बाइसेप्स रिफ्लेक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज बाइसेप्स जर्क्स, ट्राइसेप्स जर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्सेस। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी पहले रिफ्लेक्स के नेम को, आफ्टर दैट कि हम कैसे रिफ्लेक्स देंगे, कहां पर हम रिफ्लेक्स हैमर जो होती है उससे हम कहां पर टैप करेंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा, मीन्स कि जो पर्सन है जिसमें हम रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं वो क्या मूवमेंट शो करेगा उस टाइप के रिफ्लेक्स देने पे क्या मूवमेंट होगी एंड द रूट वैल्यू ऑफ दैट रिफ्लेक्स। सो मैं सबसे पहले यहां पे नेम ऑफ रिफ्लेक्सेस लिखूंगी। सो मैं एक कॉलम बना लेती हूँ जिससे कि ये हेल्पफुल रहेगा, यहाँ पे नेम ऑफ रिफ्लेक्सेस, उसके बाद रूट वैल्यू, उसके बाद कहां पर आप रिफ्लेक्स दोगे, कहां पर आप टैप करोगे, वे ऑफ एलिसिटिंग, एंड द थर्ड इज रिजल्ट कि क्या रिजल्ट करेगा। सो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाकर फिर आपको उसमें एक्सप्लेन करती हूँ। सो हियर इज द टेबल इन विच देयर इज फोर कॉलम। पहले मैं नेम ऑफ रिफ्लेक्स और उसकी रूट वैल्यू क्या होती है, आफ्टर दैट वे ऑफ एलिसिटिंग एंड आफ्टर दैट द रिजल्ट। सो द फर्स्ट रिफ्लेक्स इज बाइसेप्स जर्क। बाइसेप्स जर्क, तो बाइसेप्स जर्क की रूट वैल्यू जो होती है, इसकी रूट वैल्यू होती है C5 एंड C6, मीन्स कि C5 और C6 वाला सेगमेंट जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है। और वे ऑफ एलिसिटिंग क्या है, हम स्ट्राइक करेंगे बाइसेप्स ब्रेकाई के टेंडन पे। सो मैं यहां पे सिर्फ बाइसेप्स ब्रेकाई टेंडन लिख रही हूं। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका बाइसेप्स ब्रेकाई के टेंडन पे हम टैप करेंगे तो रिजल्ट आएगा फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये था बाइसेप्स जर्क। अब हम आते हैं ट्राइसेप्स जर्क पे। तो ट्राइसेप्स जर्क इज सेकेंड नंबर जर्क। मैं एक सिंपली एक टेबल बना रही हूं जिससे कि आपको इजी हो जाए। यही टेबल आपको मेनली एग्जाम में आता है, आपको मेनली एग्जाम में यही टेबल एक्सप्लेन करने होते हैं, ओके। तो ट्राइसेप्स जर्क का जो रूट वैल्यू होता है, रूट वैल्यू पूछा जाता है और कहां पे आपको एलिसिट करना है, मीन्स कि कहां पे आपको टैप करना है वो रिफ्लेक्स हैमर से, और क्या रिजल्ट आएगा, बस यही चार चीज इंपॉर्टेंट होते हैं रिफ्लेक्सेस में। सो ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू होती है C7 एंड C8, मीन्स कि ये दोनों सेगमेंट जो है वो इंटैक्ट रहेंगे। आफ्टर दैट वे ऑफ एलिसिटिंग, हम इसमें बाइसेप्स ब्रेक आई के टेंडन पे कर रहे थे जब ये बाइसेप्स जर्क था, तो अब ट्राइसेप्स जर्क है तो ट्राइसेप्स ब्रेक आई के टेंडन पे हम जर्क देंगे, ठीक है, स्ट्राइक करेंगे बाइसेप्स ब्रेक आई के ट्राइसेप्स ब्रेक आई के टेंडन पे, क्योंकि ये ट्राइसेप्स जर्क है। तो हम कहां पे जर्क करेंगे, ट्राइसेप्स ब्रेक आई के टेंडन पे, ओके। और इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो ज्वाइंट, एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो ज्वाइंट, ओके। अब आते हैं हम थर्ड नंबर रिफ्लेक्स पे। और थर्ड रिफ्लेक्सेस, अब ये हो गया हमारा अपर लिम का रिफ्लेक्स, अब आते हैं लोअर लिम के रिफ्लेक्स पे। तो लोअर लिम में जो होता है वो रिफ्लेक्स है नी जर्क। नी जर्क में इसकी रूट वैल्यू क्या होती है, नी जर्क की रूट वैल्यू होती है L3 एंड L4। और कहां पे एलिसिट करेंगे, इसमें इसमें स्ट्राइक करेंगे लिगामेंटम पटेली, ये एक लिगामेंट है, लिगामेंटम पटेली, पटेला के टेंडन पे, एक टेंडन है, इस टेंडन पे हम जर्क देंगे। और इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट, ओके। आफ्टर दैट द फोर रिफ्लेक्सेस एंकल जर्क। एंकल जर्क की रूट वैल्यू क्या होती है, S1 एंड S2, ओके। S1 और S2 सेगमेंट इंटैक्ट रहेगा हमारा। और वे ऑफ एलिसिटिंग में क्या आएगा, इसमें एंकल जॉइंट में हम कहां पे स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे हम टेंडो कैल्केनियस पे, ये भी एक टेंडन ही होती है, टेंडो कैल्केनियस, कैल्केनियम बोन पे, कैल्केनियम बोन जो हमारा अटैच रहता है, टेंडो कैल्केनियस, ठीक है, टेंडो कैल्केनियस पे। आफ्टर दैट इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकल ज्वाइंट,
जब हम हील्स पहनते हैं या फिर कोई न्यू शू पहनते हैं तो पीछे जिस जगह पे हमें शू बाइट होता है ना, वहीं पे हमें टैप करना होता है एंकल जर्क के लिए. ठीक है, दैट वॉज द राइट प्लेस. अब आफ्टर दैट फिफ्थ, फिफ्थ वाला कौन सा जर्क है? फिफ्थ इज एब्डोमिनल रिफ्लेक्स. एब्डोमिनल रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू क्या होती है? इसकी रूट वैल्यू होती है T7 to T12. ठीक है, थोरासिक 7 से लेके थोरासिक 12 तक. और इसमें वे ऑफ एलिसिटिंग क्या है? हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं एब्डोमेन पे. जो रिफ्लेक्स हैमर होता है ना, जैसे ये रिफ्लेक्स हैमर है, यहाँ पे एक हैमर का पार्ट लगा होता है, इस टाइप में हैमर का पार्ट होता है, और यहाँ पे ना एक ब्रश होती है और एक नुकीला पार्ट होता है. तो यहीं पे से इस नुकीले पार्ट से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन. ठीक है, उसे कहते हैं क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन. क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन. और इसमें क्या होता है रिजल्ट? उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वो आपको दिखेगा डायरेक्टली, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो होगा ना, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी. और ये प्रॉपर हमें अच्छे से दिखाई देता है, इस ये रिफ्लेक्स हम अच्छे से देख सकते हैं. और हमारा सिक्स्थ रिफ्लेक्स क्या है? सिक्स्थ इज प्लांटर रिफ्लेक्स. प्लांटर रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू नहीं होती, ये शो करता है कि पिरामिडल ट्रैक्ट हमारा इंटैक्ट है. पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट होते हैं ना, तो ये प्लांटर रिफ्लेक्स हमारे शो करता है पिरामिडल ट्रैक्ट इंटैक्ट है. ओके, और वे ऑफ एलिसिटिंग क्या है? हम स्क्रैच करेंगे शोल ऑफ फुट को फ्रॉम लेटरल साइड टूवर्ड्स द टो. ठीक है, प्लांटर रिफ्लेक्स और बेबिंस्की रिफ्लेक्स. बेबिंस्की रिफ्लेक्स तो काफी फेमस है, आप सबने कभी ना कभी सुना होगा अगर आप मेडिकल में हो तो. बेबिंस्की साइन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, और ये प्लांटर रिफ्लेक्स और बेबिंस्की साइन दोनों एक ही तरह से चेक करते हैं. जैसे हम प्लांटर रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं वैसे ही हम बेबिंस्की साइन भी चेक करते हैं. तो यहां पे मैं वो भी लिख देती हूं, बेबिंस्की साइन. ओके, सेम एज पिरामिडल. जैसे हम प्लांटर रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं वैसे ही हम बेबिंस्की साइन भी चेक करेंगे. और इसमें क्या होता है? बेबिंस्की साइन इंडिकेट करता है कि पिरामिडल ट्रैक्ट की इंजरी है. इन्फेंट में नहीं, इन्फेंट में बेबिंस्की साइन नहीं आता, आप एडल्ट में चेक करोगे. और इन्फेंट में चेक करने के लिए आप प्लांटर रिफ्लेक्स यूज कर सकते हो. और पिरामिडल ट्रैक्ट में इंजरी है तो बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये जो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस है वो देगा. ओके, तो बेबिंस्की साइन में बस पिरामिडल ट्रैक्ट की ही इंजरी को देखते हैं, पिरामिडल ट्रैक्ट की इंजरी. ओके, और इन्फेंट में नहीं. ठीक है, और इसका वे ऑफ एलिसिटिंग जो है दोनों में सेम ही है, तो मैं इसमें लिख देती हूं, हम स्क्रैच करेंगे सोल पे, स्क्रैचिंग द सोल. सोल ऑफ फुट. अब कहां से, किस साइड से किस साइड? तो फ्रॉम लेटरल साइड टूवर्ड्स बिग टो, मीन्स कि लेटरल टू मीडियल. अब डायरेक्ट बोल सकते हो फ्रॉम लेटरल टू मीडियल. मीडियल में टो की साइड आएगा, बिग टो की साइड. ठीक है, तो ये बिग वाला टो, टो बिग. ओके, लेटरल साइड से मीडियल साइड की तरफ स्क्रैच करेंगे. आफ्टर दैट इसमें रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट होता है कि डॉर्सी प्लांटर रिफ्लेक्स में जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट आएगा प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो एंड अदर टोज. इसमें रिजल्ट आएगा प्लांटर फ्लेक्शन होगा सारे टोज का. ठीक है, और बेबिंस्की साइन में जो रिफ्लेक्स रिजल्ट आएगा वो होगा डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो एंड फैनिंग ऑफ अदर टोज. ओके, डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो एंड फैनिंग ऑफ अदर टोज.
ओके, तो ये डिफरेंस है कि इसमें प्लांटर फ्लेक्शन, क्योंकि इसलिए इसका नाम प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर रिफ्लेक्सेस है, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आ रहा है उसमें प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है, और बेबिन्स की साइन में जो रिजल्ट आएगा वो डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो एंड फैनिंग ऑफ अदर टोज। ओके, मतलब सारा डॉर्सी फ्लेक्शन और फैनिंग। डॉर्सी मतलब ऐसे हो जाएगा ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका टो है, मतलब फुट है, तो इसमें डॉर्सिफ्लेक्शन और फैनिंग ऑफ द टो, बाकी सारा ऐसे फैनिंग करेगा और इसका डॉर्सिफ्लेक्शन, मतलब ये ऐसे पैर के साथ चारों फिंगर्स पांच फिंगर्स ऐसे अटैच रहते हैं ना, तो ये डॉर्सिफ्लेक्शन में जाएगा टो, बिग टो, और बाकी सब भी फैल जाएगा, मीन्स फैनिंग ऑफ द अदर टोज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द चार्ट एंड आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर सम कॉमन रिफ्लेक्सेस। सो आप इस चार्ट को याद कर सकते हो और आपका रिफ्लेक्स वाला जो पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसकी रूट वैल्यू काफी इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे आपको एलिसेट करना है, मीन्स कि आपके पास जो हैमर है उसे आपको कहाँ पर टैप करना है, किस किस टेंडन पे टैप करना है, कौन कौन से रिफ्लेक्स में। तो यहाँ पे दो है अपर लिम के, बाकी दो लोअर लिम के, फिर ये एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, फिर ये दोनों प्लांटर रिफ्लेक्स और बेबिन्स की साइन, ये दोनों सोल ऑफ फुट पे एलिसिट करते हैं। ओके, और ये सब रिजल्ट आता है। सो दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द कंसाइज फॉर्म ऑफ दिस टॉपिक, सम कॉमन रिफ्लेक्सेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।